एक कमरे में पांच दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। दोस्तों तीन लड़के थे, तीनों ने मिलकर एक बॉल खरीदी जिसकी कीमत 30 रुपए थी। तीनों ने 10-10 रुपए मिलाकर 30 रुपए दुकानदार को दिए और वो दुकान से जाने ही वाले थे। तभी दुकानदार को याद आया कि बॉल तो सिर्फ 25 रुपए की है। दुकानदार ईमानदार था, उसने तुरंत अपने नौकर से 5 रुपए लौटाने को कहा। जब नौकर ने 5 रुपए वापस किए तो तीनों लड़कों ने खुश होकर 2 रुपए टिप उस नौकर को दिए और 1-1 रुपए आपस में बांट लिए। कुछ देर बाद एक लड़का कहने लगा कि हमने तो 9-9 रुपए खर्च किए हैं, इसलिए बॉल की कीमत हुई 27 रुपए और फिर 2 रुपए नौकर को टिप दिए, मतलब हुए 29 रुपए, लेकिन हमने तो टोटल 30 रुपए दिए थे, आखिर 1 रुपया कहाँ गया? दोस्तों अगर आप समझ गए हैं कि 1 रुपया कहाँ गया तो जरूर बताइए, और अगर इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है।